अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इसकी माशाल्लाह अभी ये छत भी इसकी डल चुकी है और बस बाहर से भी प्लस्तर रह गया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा ये कंप्लीट हो गया है। और ये देख सकते हैं हमने भी पानी भी भरा हुआ है, क्योंकि यार वो मिस्त्री भाई कह रहे थे कि मेरे आने से पहले पहले ना इस सारा कुछ आप ना दीवारों को अच्छी तरह गीला कर लेना, ताकि अच्छे से ये हम इसको प्लास्टर कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वो लंबी लंबी रॉड, तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देखना जिसका हमने ये रॉड जिस मकसद के लिए मंगवाया था। तो हमने ये दरवाज़ा बनवाया उसका और इस जगह पर उसको हमने लगवा लिया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने एक रोशनदान, इसको रोशनी के लिए, रोशनी की क्रॉसिंग और हवा की क्रॉसिंग के लिए एक वो, और एक हमने ये रखवाया है। और बाकी अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर अभी काफ़ी अंधेरा है। तो ये वाली दीवार अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्लस्तर हो चुकी है। अब आज मिस्त्री भाई आएंगे और ये सब का सब काम ख़त्म कर जाएंगे। और हमने छत भी, मैंने आपको बताया कि अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह डल चुकी है, और यहाँ पर वायरिंग वगैरह होगी और बल्ब लगेंगे। खैर दोस्तों, यहाँ पर तो भी अंधेरा है। मुझे यार दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, जल्दी जल्दी हमारा सेटअप बने और हम अपने सारे परिंदे और मुर्गियाँ ऊपर लेकर आएँ, और जल्द जल्द हमारा काम बहुत ही अच्छा चले। ये देखे दोस्तों, ये सीमेंट तैयार हो गया है हमारा मास्टर केज की इस छत पर डलने के लिए। तो मास्टर केज की ये छत हमारी इस सीमेंट से तैयार होगी। चलो यार, मैं आपको हमारा जो मास्टर केज है इसकी मैं आपको सबसे पहले छत दिखाता हूँ। अब ये लीजिए जनाब, हम छत पर, अभी छत इतनी मजबूत नहीं है और अब हम छत पर पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी हम छत पर हैं। हमारे मास्टर केज की ये है छत, अभी इनकम्प्लीट है, इंशाल्लाह आज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ ज़्यादा देर मुझे टिकना चाहिए, क्योंकि अभी ये इतनी पक्की नहीं है। आज भाई आएंगे और ये हमारी छत को इंशाल्लाह मजबूत कर देंगे। यहाँ से जंप लगाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा मास्टर केज अंदर से भी अच्छे तरीके से प्लास्टर हो चुका है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, अब सिर्फ बाहर से रह गया है। तो भाई कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, तो इंशाल्लाह ये सारा का सारा आज प्लास्टर हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारा आज मास्टर केज का जो मिस्त्री का काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है पाइपलाइन, ये हम वायरिंग के लिए यूज़ करेंगे, और अंदर जो हमने बल्ब लगवाने हैं उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस पाइपलाइन से आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, पहले आपने देखा था बिल्कुल अंदर से ये ईंटें थी, और अब माशाल्लाह से कितना ज़्यादा ये अंदर प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह जब ये बल्ब लग जाएंगे तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये पाइप हमारे किस जगह डलने हैं। चल इसको लेकर चलता हूँ मैं। ये दोस्तों हमने इस जगह पे ये पाइप लगाना है, और यहाँ से फिर तार हमारी गुजरेगी सीधा हमारे मास्टर केज में। अभी यहाँ का कुछ काम बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी आज हो जाएगा, और इंशाल्लाह हमारे मास्टर केज में रात तक रोशनी हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों रोशनी होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि हमारे मास्टर केज में कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा तो हमारे मास्टर केज में बल्ब लग जाएगी। तो खैर यही तक था आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारा मास्टर केज पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ओहो मैं तो भूल ही गया, भाई आने वाले हैं और इंटो को भी पानी लगाना है मैंने।